और अब एक बड़ा सवाल कि क्या दिग्गज दरकिनार हो रहे हैं, ये अलार्मिंग खबर है क्या? लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर टिकट देने में विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला अपना सकती है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। इस फैसले पर बीजेपी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन कांग्रेस कयास के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में जुटी है। संगठन से लेकर सरकार के स्तर पर योजनाएं बनाई जा रही हैं और उसे जमीन पर उतारा जा रहा है, लेकिन इस बार खबर सामने आ रही है वो बीजेपी की कई सांसदों को मायूस करने वाली है। बताया जा रहा है कि पार्टी आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों के टिकट इस बार काट सकती है, जिनमें से 5 सांसद अब विधायक बन चुके हैं। मुरैना, जबलपुर, दमोह, सीधी और नर्मदापुरम, इन 5 सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं ग्वालियर, मंडला, इंदौर, टीकमगढ़, खंडवा, सागर और भिंड सीट पर भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। गौरतलब है कि ग्वालियर से विवेक शेजवलकर, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते का टिकट कट सकता है। कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हार गए थे। इंदौर से शंकर लाल वानी का टिकट कट सकता है। टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार खटीक का टिकट काटा जा सकता है। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल का टिकट कट सकता है। सागर से राज बहादुर सिंह का टिकट कट सकता है। भिंड से भागीरथ प्रसाद का भी टिकट काटा जा सकता है। लोकसभा में जो भी चेहरे होंगे वो भाजपा के चेहरे होंगे, आकर्षक चेहरे होंगे, जनता की भावना और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने वाले चेहरे होंगे, अच्छे और सच्चे चेहरे होंगे, जिनके कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कयास ये लग रहे हैं कि आधे से ज्यादा सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कयास और अटकलों पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार करने के लिए, मजबूत करने के लिए और जनता की भावनाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। उधर बीजेपी सांसदों के टिकट काटे जाने को लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। पार्टी का कहना है कि सत्ता पक्ष चेहरे बदलकर छवि चमकाने की कोशिश में है। देखिए, जब भी किसी पार्टी के चेहरे इतने दागदार हो जाते हैं कि उन्हें वापस मैदान में नहीं उतारा जा सकता, इसलिए नए चेहरे ढूंढते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे चेहरे दागदार हो गए। आधे तो जो है 7 इंजन लगा के अभी चुनाव लड़वा दिया था लोग विधानसभा का, और बाकी जो है आप देखें कि इनके कितने मंत्री, 12 मंत्री हार गए, चुनाव हार गए। तो ये दागदार चेहरे तो थे ही। पूरी की पूरी 18 साल की सरकार में जनता के साथ तो कोई न्याय हुआ नहीं, जनता के साथ तो लूट, झूठ और फूट का राज चला है। तो वो व्यवस्था में चेहरे बदलने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, और ये चेहरे बदलेंगे वो कोशिश करेंगे लोगों को उन चेहरों के नाम पर फिर से लोगों को ठग सकें, जनता को ठग सकें। टिकट काटे जाने की खबर मौजूदा सांसदों के लिए मायूस करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी कह रही है जिसे भी टिकट दिया जाएगा वो जिताऊ चेहरा होगा। उधर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी पर आरोप लगाने का, लेकिन इन आरोपों का उसे कितना फायदा मिलेगा कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्यारह अनार, 40 बीमार, स्थितियां ऐसी हो चली हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है, छत्तीसगढ़ बीजेपी में टिकट के दावेदारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पार्टी के नए चेहरों को तरजीह देने की खबर ने कई दावेदारों की उम्मीदों पर पंख लगा दिए। दूसरी तरफ प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची कर रही पार्टी के लिए यह कड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि ज्यादातर सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। नए चेहरों को मौका देने की खबर ने पार्टी में टिकट के दावेदारों में ऊर्जा का नया संचार भर दिया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, चुनाव में करीब 100 दिन का समय अभी बाकी है, लेकिन अभी से 40 दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से कई दावेदार तो अपना बायोडाटा लेकर बड़े नेताओं के दरवाजे पर दस्तक भी देने लगे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में संगठन हमको जो भी जिम्मेदारी देती है हम उसे पूरी निष्ठा से करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की 400 सीटें आएंगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी ही बनेंगे। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में जो 33% आरक्षण देके नारी बंधन किया गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में तो कम से कम 33% आरक्षण हम सब महिलाओं को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है,
और उसके अभी हमारे कल क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री अजय जामवाल जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री माननीय पवन साय जी ने बिलासपुर लोकसभा की बैठक भी ली और लगातार इस प्रकार की बैठकों का क्रम पूरे प्रदेश में जारी है। प्रत्याशियों का चयन और कब तक के टिकट की घोषणा हो जाएगी, कुछ समय सीमा समझ में? यह केंद्रीय चुनाव समिति का विषय है, इस विषय पर वही हमारा केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व तो ही इस विषय को अच्छे से बता सकेगा। वहीं इस बार महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की खबर ने महिला दावेदारों की उम्मीदों को भी पंख लगा दी है। गौरतलब है कि पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षण देने के नियम का पालन करेगी। लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी देखा 33% आरक्षण का लाभ मिला है, लागू नहीं हुआ है लेकिन लोकसभा की बात है। निश्चित तौर पे महिलाओं को अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, तो महिलाओं को भी लागू होगा उसका। बीजेपी में टिकट के लिए पूर्व सांसद, विधायक, मेयर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अपनी दावेदारी जताने के लगे हैं। हालांकि टिकट पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन स्थानीय नेताओं के सुझाव इसमें अहम भूमिका अदा करेंगे। यही वजह है कि ज्यादातर दावेदार अपनी अपनी पहुंच के मुताबिक प्रदेश के आला नेताओं के दरवाजे खटखटाने लगे हैं। उमेश मौर्य, न्यूज 18, बिलासपुर।